लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे। ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर निशाना साधा है और लालू प्रसाद यादव को उनके शासन की याद दिलाई है। जी हाँ, आपको बता दें कि अक्सर लालू प्रसाद यादव जब बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री थे तब उनके राज्य में काफी क्राइम होता था, लोग घर के बाहर निकलने से डरते थे। सत्ता पक्ष लगातार इन तमाम मुद्दों को लेकर लालू प्रसाद यादव को घेरता है, तो लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार इन दिनों बिहार में हो रहे क्राइम को लेकर निशाना साधने पर लगा हुआ है। ऐसे में सम्राट चौधरी ने भी एक बार फिर से लालू प्रसाद को अपनी राज्य की याद दिलाई है और कहा है कि याद कीजिए वो क्या समय था। ऐसा समय था कि जब आईएएस आईपीएस की पत्नियां भी काफी ज्यादा डरी रहती थी और घर से बाहर निकलने में सेफ महसूस नहीं करती थी, आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वहीं राज लालू जी चलाते थे, उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा है, मेक इन इंडिया का सपना कैसे पूरा किया है, लोकल को कैसे बढ़ाने का काम किया गया है, भारत की विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया गया है। इन सारे चीजों को लेकर देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, वो जरा सुने आप लोग। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अपनी बात सब रखते हैं। उनको लालू जी को याद करना चाहिए कि 15 साल जो उनका राज था उसमें तो कोई शासन ही नहीं था। आईएएस ऑफिसर की पत्नी तक सेफ नहीं होती थी, वो राज लालू जी चलाते थे, उनको तो बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लगातार 10 वर्षों से मन की बात के माध्यम से दुनिया को कैसे भारत से जोड़ा, मेकिंग इंडिया का सपना कैसे पूरा किया, लोकल फॉर वोकल को कैसे आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया, भारत के विरासत को कैसे दुनिया से जोड़ने का काम किया, ये सारे चीजों के लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद भी देता हूं। सर, बाढ़ की स्थिति पर क्या कहेंगे सर? अब जो आज की सवेरे की सूचना है, थोड़ा राहत है कि नेपाल से आने वाला पानी घट रहा है, ये हमारे लिए, लेकिन पूरी तरह सरकार मुस्तैदी के साथ सारे तटबंध को देख रही है, लगातार मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर समीक्षा भी हो रही है और रात भर लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, सभी बांध पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और आम लोगों से भी हम लोगों ने आग्रह किया है माइकिंग के माध्यम से कि आप बांध के अंदर चले आए, बांध पर खतरा ना हो, इसकी पूरी समुचित व्यवस्था सरकार के लेवल पर की जा रही है। स्थिति में भी नेता प्रतिपक्ष विदेश में है, क्या कहेंगे? अब ये लोग विदेश ही घूमने वाले हैं, कोई देश में रहने वाले नहीं है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से नेपाल के कोसी बराज से गेट टूटने पर जो पानी की खबरें आ रही थी उसमें भी अब राहत की खबर है, क्योंकि ऐसे में देखा यह गया है और खबरें आज सुबह ही आई हैं कि कोसी बराज पर पानी जो है वो नेपाल में घटी है। ऐसे में लेकिन फिर भी सरकार जो है वो लगातार मुस्तैद है और लगातार तैनात है कि किसी भी तरीके की कोई भी घटना निकल कर सामने नहीं आए, सभी सरकारी सेवाओं से लोगों को करवाएंगे और जिस तरीके का भी मदद हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से दिया जा सके सरकार इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ऐसे में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव के ट्वीट पर निशाना साधते हुए उनके राज की याद दिलाई है और कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव के राज में हर कोई घर से निकलने से डरता था, आम जनता तो क्या, आईएएस की पत्नियां भी खुद को सेफ महसूस नहीं करती थी क्योंकि उन्हें डर लगता था क्योंकि क्राइम तब बहुत ज्यादा होता था। ऐसे में लालू प्रसाद पर निशाना सम्राट
चौधरी ने सहा। इसके साथ ही आपको बता दें कि नेपाल के कोसी बराज से पानी छोड़ा गया है, जिसको लेकर बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति है, जिसको लेकर सरकार हर वक्त मुस्तैद है और पैनी नजर बनाई रखे है किसी भी तरीके की घटना ना हो जाए। इसको लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार पूरी सक्षम है और हर तरफ मुस्तैद है ताकि कोई भी घटना नहीं हो जाए। तो ये है अभी सरकार, लालू प्रसाद यादव की सरकार में कोई काम नहीं होता था। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।